नालायक गधा कहीं का। डॉक्टर, डॉक्टर जी, जी राय बहादुर साहब। अभी अभी खबर मिली कि दिलीप उसी लड़की के साथ आज भी घूमने गया है। नालायक को न मेरा ख्याल है न खानदान की इज्जत का। लेकिन राय बहादुर साहब, लेकिन कितना समझाऊं उसे, कुछ कहने जा तो कह देता है कि मैंने उस लड़की का साथ छोड़ दिया और शादी करने के लिए एक शरीफ घराने की लड़की ढूंढ ली। जी अजीब मुसीबत है, लेकिन राय बहादुर साहब इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता? जी हाँ, एक रास्ता है, इसके लिए आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जी मेरी मदद? फरमाइए। मैं झूठ मूठ बीमार पड़ जाऊं और आप दिलीप को ये कहिए कि शरीफ कराने की लड़की को मेरे सामने लिया, एक मर्तबा फंस जाने के बाद उससे निकलना मुश्किल है। हेलो हेलो, डॉक्टर पटेल साहब, हजूर मैं माता दिन बोल रहा हूँ, आप फौरन चले आइए, बड़े सरकार की तबीयत बहुत खराब है। जी हाँ, हेलो, कौन? दैनिक समाचार, राय बहादुर साहब की हालत बहुत खराब है। हाँ दिलीप आ रहा है। डॉक्टर साहब अभी फल का रस दे दूं? दे सकते हो। Thrombosis of the heart, very dangerous. उसका मतलब ये है कि मामला बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा एक घंटा, दो घंटा या तीन घंटे तक जी सकते हैं। दादाजी से पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं तेरे जैसे धोखेबाज के हाथ की कोई चीज नहीं पीऊंगा। दादाजी निकल जा मेरे सामने से, मैं तुझसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी बात तो सुनिए दादाजी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नैन तारा का साथ छोड़ दिया है और एक दूसरी शरीफ घराने की लड़की को पसंद कर लिया है। तो कहाँ है वो लड़की, लाता क्यों नहीं मेरे पास? जी वो लड़की तो है, मगर मैं सोचता हूँ कि वो गरीब घर की है और डरता हूँ कि आप कहीं उसे भी ना पसंद करें। झूठा कहीं का, मरते समय मुझसे झूठ बोलता। निकल जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, निकल जा। डॉक्टर साहब, लब्स की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर शुक्ला तुम यहीं ठहरो, मैं ऑक्सीजन का इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दादाजी की जान बचा लीजिए, कम से कम 4-6 घंटे उनकी जिंदगी और बढ़ा दीजिए ताकि मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। डॉक्टर साहब मैं वादा नहीं कर सकता दिलीप, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। मैं जानता हूँ, न जाने किस वक्त उनके दिल की घड़ी की हरकत बंद हो जाए। हाय, क्या कहा? किसी भी घड़ी उनके दिल की हरकत बंद हो सकती है। अरे गोपाल, कहाँ भाग गए गोपाल? अरे तू ही मेरा गलत करेगा। जी सरकार मैं। अरे जल्दी बुलाओ, मैंने दिल को बुलाओ, इसी दिल को बुलाओ, सबको दिल को बुलाओ, जल्दी बुलाओ सबको। अरे आप लोग तैयार हो गया? हुजूर थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा सा बाकी है? तुमने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। जल्दी करो, जल्दी करो, आपका मजमून तैयार हो गया? जी करीब करीब हो गया। करीब करीब तुमने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भगवान के लिए जरा तेज कलम चलाइए, जितना तैयार है इतना छुपाना शुरू कर दो, हमारा अखबार सबसे पहले निकलना चाहिए। ये मौका हाथ से गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो। लेकिन पहले मौत की खबर तो आ जाए। क्या फरमाया आपने मैनेजर साहब? मौत की खबर? मालूम होता है आपने मेरे इस मजमून पर गौर नहीं किया। अजी जनाब, मेरे इस मजमून के खातिर राय बहादुर को मरना ही पड़ेगा। जी हाँ, जरा सुर्खियों पर गौर कीजिए, गौर कीजिए। शहर के मशहूर रईस राय बहादुर दुर्लभ चंद की एकाएक मौत, उनके पोते दिलीप की मोहब्बत, मशहूर डांसर और होने वाली फिल्म स्टार नयनतारा के साथ।
तो घूंघट नहीं खोलूं, नहीं बोलूं, नहीं बोलूं, नहीं बोलूं, मेरे मन में क्या क्या बातें, हटो घूंघट नहीं खोलूं, नहीं बोलूं, क्या कहते हैं मतवारे दो रस के भरे नैना, क्या कहते हैं मतवारे दो रस के भरे नैना, घूंघट में सिमट बैठे है कोई लाज भरी मैना, हाय लाज भरी मैना, मेरे मन में जो मैना है छुपी छुपी, मेरे मन में जो मैना है छुपी, उसके ही संग डोलू डोलू, उसके ही संग डोलू, नहीं बोलू नहीं बोलू बोलू, नहीं बोलू नहीं बोलू नहीं बोलू बोलू नहीं बोलू। छुप छुप मत देखो सचल थर 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 कांपे बदल, छुप छुप मत देखो सचल थर 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 कांपे बदल, मन में खाए शर्म से, मन में खाए शर्म से, मन में खाए शर्म से, उमरिया वाली है मोरी, हाय उमरिया वाली है, तो यही कहूंगा डायरेक्टर साहब कि नयन तारा के नाच का दुनिया भर में जवाब दूंगा। हटो, तुम्हें तो तारीफ करने में कमाल हासिल है। भाई क्या बात करती हो बेबी, यानी कि हम सब झूठ बोलते हैं। अरे तुम एक मर्तबा दिलीप से फिल्म तो शुरू करवा दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अजी मैं कहता हूँ कि अब फिल्म बनने में देर ही कौन सी है, है जी? राय बहादुर, राय बहादुर का टिकट तो बस अब कटा ही समझो। जियो 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 मेरे कौम का बस जियो। बेबी बेबी, उधर राय बहादुर की गाड़ी चली, इधर नयन तारा ग्रेट आर्ट प्रोडक्शन की फ्रंटियर मेल, भला मिस्टर खामखा कैसे ऐसे? बेबी नयन, माफ करना मम्मी। क्या हुआ मम्मी? अभी अभी दिलीप का टेलीफोन आया था, राय बहादुर की हालत बहुत खराब है। बेबी मुझे टेलीफोन पर दिलीप की बातों का ढंग अच्छा नहीं लगा। क्या कहता था? पता नहीं, कुछ उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रहा था। घबराओ नहीं मम्मी, अपने पास चिपकाने के लिए गोंद मौजूद है, उसे उखाड़ नहीं ना देंगे। कहीं अपने दादाजी की बातों में फंस गया तो सब किया हुआ चौपट हो जाएगा। नो मम्मी प्लीज, ऐसा ना बोलो, मैं डायरेक्टर नहीं बन सकूंगा। बेबी तुम जरा होशियार रहना। क्या दिलीप यहाँ आ रहे हैं? हाँ। आए तो मुझे ट्विस्ट सोचना चाहिए। ट्विस्ट ट्विस्ट मिल गया मिल गया बेबी, मिल गया ट्विस्ट। देखो जैसे ही दिलीप अंदर आए, तुम्हारे चेहरे पर उदासी होनी चाहिए, दिल में धड़कने होनी चाहिए, होंठों पर आहें और आंखों में आंसू आंसू। मिस्टर म्यूजिक डायरेक्टर, आंसू देखते ही आप शुरू कर दीजिए एक दर्द भरा नगमा, जिसमें दर्द हो, इंतजार हो, फुर्कत हो, आग हो, पानी हो, सब कुछ एक जगह हो। आ गया आ गया, प्लीज रेडी, प्लीज 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 रेडी रेडी, जाइए जाइए जाइए। आइए आइए दिलीप बाबू, आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए मिस्टर दिलीप, तशरीफ रखिए। नयन तारा गजब हो गया। मिस्टर म्यूजिक डायरेक्टर, पाइप छोड़िए, सोचिए म्यूजिक, सस्पेंसफुल म्यूजिक, सस्पेंस, यस, स्टार्ट स्टार्ट।
कैसे बताऊं नाइन कि मैं तुमसे हमेशा के लिए जुदा होने आया। दादाजी को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, वो तुम्हें अपने कुल तो बनाना नहीं चाहती और नाराज होकर जान तक देने को तैयार बैठी। डार्लिंग, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे खातिर मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट छोड़े, तुम्हारे खातिर मैंने, मम्मी, ओ बेबी। सैड म्यूजिक, सैड म्यूजिक, स्टार्ट, स्टार्ट। मत रो, रूठ। मैं मजबूर हूं नायन, बेबस हूं। मरते समय दादाजी का दिल नहीं दुखा सकता, मुझे उन्हें खुश करना ही पड़ेगा। जैसे भी हो उनकी मनपसंद की लड़की उनके सामने पेश करनी पड़ेगी और इसी को अपना जीवन साथी मानकर उनका अंतिम आशीर्वाद लेना पड़ेगा। बेबी, डार्लिंग। ओह दिलीप बाबू, ये कैसे हो सकता है? जरा सोचिए तो, जब आप नयनतारा के साथ हीरो बनकर पर्दा फिल्म पर आएंगे तो भगवान की कसम खा के कहता हूँ, एक ऐसा धांसू फिल्म बनेगा कि डायमंड जुबली डेफिनेटली होगी। हाँ, मगर दुनिया की नजरों में मैं अपने आप को कबूत कैसे बना सकता हूँ? शायद उनकी बस अब 2-4 घंटे की जिंदगी और बाकी। क्या कहा? 2-4 घंटे? 2-4 घंटे? डॉक्टर तो ऐसे कहते हैं। हाँ, ठहर जाइए, मुझे सोच लेने दीजिए। एक ऐसा ट्विस्ट मारूंगा, दिलीप बाबू के रहे नाम साई का। मिल गया मिस्टर दिलीप, मिल गया। क्या मिल गया? ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जिससे सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। क्या समझे? यही कि राय बहादुर भी मर जाए और इन दोनों का प्रेम बंधन भी न टूटे। बिल्कुल ठीक। देखो आप जितनी जल्दी हो सके कहीं से एक दूसरी लड़की तलाश करके अपने दादाजी के सामने पेश कर दीजिए। क्या समझे? दूसरी लड़की? That's right. बिल्कुल ठीक दिलीप बाबू। उधर दादाजी खुश होकर दुनिया से चल बसेंगे और इधर आपकी और नयनतारा के प्यार की दुनिया फिर से आबाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल धोखा है, सरासर धोखा है। ऐसे वक्त पर मैं अपने दादाजी को धोखा नहीं दे सकता। तो फिर साहब साहब क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? अरे ये क्या हुआ? बेबी क्या हुआ? अरे इसे तो होश आ गया। बेबी होश में आओ डार्लिंग, ब्रूट। नहीं, होश में आओ डार्लिंग। अजी जनाब, आप उस लाश के लिए परेशान हैं जो चंद लहमों की मेहमान है, मगर मेहरबानी फरमाकर जरा जिंदा लाश की तरफ भी तो देखिए। अगर आपने इनकार किया तो इस मोहब्बत के पुजारण का क्या हाल होगा? मुझे मंजूर है डायरेक्टर साहब, मैं अपनी नयन तारा को नहीं खो सकता। नयन बेबी, होश में आओ नयन। डार्लिंग नयन, बेबी मैं कहाँ हूँ? मेरे पास, मेरी आंखों में दिलीप। बेबी दिलीप राजी हो गया। सच? हाउ स्वीट यू एंजल। मम्मी, अब एक लड़की ढूंढ निकालना चाहिए और लड़की भी ऐसी लड़की जिसे देखते ही दादाजी बस पसंद कर ले और उनके मरने के बाद 200-400 रुपए लेकर रास्ता मापे। बिल्कुल ठीक मिस्टर खामखा, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर लूंगा। तो उम्मीद है। आइए मिस्टर दिलीप, चलो। अच्छा नहीं, दिलीप बाबू जल्दी इधर तो बहुत है। क्या हुआ? यू गेट आउट फर्स्ट। एक ट्विस्ट सिर्फ, मैं आपके बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। दादा जी आपका चार ठंडे भी हो चुके होंगे। गेट आउट। जी आप मुझे कहाँ ले? जी अपने घर। देखिए दादाजी जो कुछ भी कहें आप चुपचाप सुन लीजिएगा, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। अरे
ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज चलिए चलिए। से मैंने कहा दिलीप आ रहा है, जल्दी कीजिए। दिलीप अभी तक नहीं आया। आ गया दादाजी, ये रही आपकी कू। जैसी आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी लाया हूं। हाँ बेटा मेरे पास आओ। चलो चलो चलो। थोड़ी सी शर्माती है दादाजी, हमारे दादाजी डॉक्टर साहब। बैठो बेटा। जीती रहो बेटी। लीजिए साहब, अब तो पी ही लीजिए, अब इनकार न कीजिए। हाँ इनके हाथों से जी। हाँ हाँ लो बेटी, इन्हें पिला दो। लो शाबाश। तुम बड़े अच्छे वक्त पर आई बेटी, अगर तुम ना आती तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? किरण। किरण, सचमुच तुम किरण हो। मैं तुम्हारी जैसी एक लड़की की तलाश में था जी। समझे डॉक्टर? जी हाँ बिल्कुल ऐसी। भगवान ने मेरी सुन ही ली। तुम्हारे माँ बाप? जी कोई जिंदा नहीं। बेचारी, उनका नाम? मुंशी प्रेमनाथ। प्रेमनाथ कौन? मुंशी ब्रज किशोर का लड़का? जी हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा, वो मेरे बचपन के साथी थे। क्यों बेगर थे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जी आपने मुझे मौका ही नहीं दिया कि। जानती हो बेटा, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को दोनों दिलों जान से चाहते थे। मैंने जैसे कहा था जी। देखिए राय बाबू साहब, आप जरूर से ज्यादा। नहीं डॉक्टर, मैं अब नहीं मरने वाला हूँ। मेरी बहू रानी आ गई है, अब तो इनसे घर की बातें करूंगा। आप लोग तशरीफ ले जाइए जाइए जाइए। तू कहाँ जा रहा? जी डॉक्टर जी के साथ। जरा नहीं, गली खड़ा रह। एक बात तो बताओ बेटी, दिलीप से तुम्हारी पहली मुलाकात कब हुई? आज? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। बात यह है दादाजी की मुलाकात तो हम लोगों की बहुत दिनों से है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो ऐसा मालूम होता कि आज ही मुलाकात हुई। हाँ तो बेटा तुम बंबई के किसी स्कूल में पढ़ती थी? जी हाँ। लेकिन मुझे तो जितना ख्याल है मैंने तुझे बंबई में नहीं, देहरादून के किसी स्कूल में दाखिल किया था। जी हाँ। तो फिर तू देहरादून में पढ़ता था और ये बंबई में, तो मुलाकात कैसे हुई? दादाजी मैंने आपसे उस रोज भी कहा था, अब फिर कहता हूँ कि एक बार इनके स्कूल की क्रिकेट की टीम हमारे स्कूल की क्रिकेट की टीम के साथ वो मैच खेलने आई, उनमें ये भी शामिल थी। बस वही खेलते खेलते मुलाकात हो गई। खेलते खेलते मुलाकात हो गई। मैंने जो रख के एक बाउंड्री मारी है फ्रेंड, इन्होंने फट से गेंद कैच कर लिया। मैंने कहा वेल प्लेड, इन्होंने कहा थैंक यू। बस वहीं से बातचीत शुरू हो गई, हो गई थी ना। भाई वाह, कमाल है। तो तुम आजकल की लड़कियां क्रिकेट भी खेलने लगी? मुंह क्यों बुलाता है? दादाजी वो सुबह जो मछली खाई थी ना, उसका कांटा गले में फंस गया है। न जाने तेरे गले में आज और क्या क्या फंसा हुआ है। कुछ नहीं। लेकिन तू खुशकिस्मत जरूर है। दादाजी आपकी इनायत है। इनायत मेरी नहीं, इनकी है। हाँ तो बेटा तुम्हें रिश्ता मंजूर है ना? जी अजी दादाजी, मंजूर ना होता तो साथ कराती। दादाजी देर हो रही है, यही कहोगी ना? चलो अभी पहुंचा देते हैं, परेशान क्यों होती है? ओहो दादाजी शादी की बातों से जरा शर्मा रही हैं। आओ चलो चलो। हाँ कहाँ चले? दादाजी कॉलेज वहाँ इनका जलसा है। चले। देखिए दादाजी मैं सिर्फ आपका शक दूर करने के लिए ले आया था, वरना
वो क्या देख रही है? चलो, वक्त पर नहीं पहुंचाया तो फिर रोना शुरू कर देगी। अब चलो बिना, आओ दादाजी। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, सब गड़बड़ हो गया, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको पहुंचा देगी। देखिए मैं आपका एहसान मंद रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि आप इस नीच काम के लिए मुझे यहाँ लाए। ऐसे भोले भाले दादाजी को ठगते हुए आपको शर्म नहीं आती? संभालिए अपने रुपए, ये शायद आपको ज्यादा प्यारे होंगे। क्या बताऊं नैन डार्लिंग, बहुत मुसीबत हो गई। दादाजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, आज शाम को मैं मिलने की कोशिश करता हूँ। आज शाम को। छोटे सरकार, बड़े सरकार की तबीयत फिर से खराब हो गई। फिर से? क्या हुआ दादाजी? तुझे बुला कर ला। किसे? बहुरानी को। बहुरानी? मगर दादाजी इस वक्त वो कॉलेज में होगी। मैं कॉलेज वाले कुछ नहीं जानता, जल्दी जा उसे बुला कर ला। जरा धीरे से काम लीजिए दादाजी, अगर कल की तरह आपकी तबीयत फिर खराब हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। हुई नहीं, हो गई है। हाय मेरा दिल। जरा दिल को संभालिए दादाजी, दिल को संभालिए। जल्दी जा, जल्दी उसे बुला कर ला। मैं वरना मैं चला। मैं गया और आया दादाजी, गया और आया। अरे दिलीप, अरे डॉक्टर साहब, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक वक्त पर आ पहुंचे। दादाजी के दिल की हालत फिर से खराब हो रही है। आप जरा उन्हें संभालिए। मैं गया और आया डॉक्टर साहब, मैं गया और आया डॉक्टर साहब। सच बता क्या बात है, कहीं कोई मामला लष्टम पष्टम तो नहीं हो गया? ये सब मुसीबत तेरी ही लाई हुई है। ना मैं तेरी बातों में आकर राय बहादुर के घर जाती और ना इस मुसीबत में फंसती। ओ तो ये बात है, तू मुसीबत में फंस गई। हाय राम, दिलीप जैसी मुसीबत सबको दे। चल हट, तुझे तो हर वक्त मजाक ही सोचता है। तुझे क्या मालूम कि राय बहादुर मेरे दादा के दोस्त निकले, उन्हें इस तरह ठगना कहां की इंसानियत है? तो यूं कहो ना। खैर आने दो दिलीप बाबू को, इस बार मैं उन्हें साफ लफ्जों में कह दूंगी, देखो जी मेरे किरण को यह धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं, तुम उसे सचमुच अपनी छी छी मालती। हाय हाय, ऊपर से तो छी छी कर रही और मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। चल बैठ आराम से, तू पुना बुना कहीं नहीं जाएगी। नहीं मालती, तू समझती नहीं, अगर राय बहादुर मुझे लेने आ गए तो मैं इनकार ना कर सकूंगी, और कहीं उनका पोता आ गया तो निकाल दूंगी, एकदम निकाल दूंगी उस धोखेबाज को। ओह आप आइए। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। आपके साथ चलना होगा? जी हाँ, अभी इसी दम, एक मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए। एक मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए? That's right, please hurry up, जल्दी कीजिए ना। जल्दी कीजिए, क्या मैं आपकी गुलाम दरखरीद बांधी हूँ? क्या मुझे आप मुझे इस तरह हुकुम दे रहे हैं? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, क्या मैं आपके घर की नौकरानी हूँ, आया हूँ? देखिए आप मुझे बिल्कुल गलत समझी है। मैं तो बिल्कुल गलत समझा है आपको, गलत समझने की वजह से मैं बम्बई से जा रही हूँ। बम्बई से जा रही? जी हाँ। तो मैं दादाजी से क्या कहूँगा? अब आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। एक बात सुन लीजिए, देखिए मेरी सिर्फ एक ही बात है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लड़की है क्या है, बात करो तो काटने को दौड़ती है। मैं दादाजी से क्या कहूंगा? हेलो हेलो। हेलो अशोक कुमार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मम्मी ये तुम्हारे फंदे में नहीं फंसने का, ये तो पर्दा फिल्म पर एक ही है जिसका नाम अशोक कुमार है। सुनो, ये चलती हवा का रुख पहचानता है, उड़ती चिड़िया के पर गिनता है, ये तुम दोनों माँ बेटी को घोल के पी जाएगा। गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, हाय कांटों से भी निवाह किए जा रहा हूँ मैं। मुझे कांटा ही समझते हो,
तो फिर आते क्यों? इसलिए कि गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं। मुझे जहरीली नागन से खेलने में ही मजा आता है। जहरीली नागन सबके लिए जहर रखती है, मगर वो भी अपने नाक के लिए प्यार रखती है। वो खुशकिस्मत कौन है नागन? तो मैं नाग? तुम ठीक ही समझी, गोया कि मुझ में भी जहर है और तुम में भी जहर है, और जहर जहर को धोखा नहीं दे सकता। मगर दिलीप, उससे तो तुम शादी कर रही हो ना? उससे नहीं अशोक, उसकी दौलत से। दौलत जो तुम नहीं दे सकते, मोहब्बत जो वो नहीं दे सकता, इसीलिए शादी उससे करूंगी और मोहब्बत तुमसे लूंगी। खूब, सचमुच ही तुम जहरीली नागन हो, फिर भी तुम में एक अजीब सा नशा है, जहर का मीठा मीठा धीमा धीमा नशा। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो नैनतारा को जीत रखा है। पता नहीं चलता कि तुम सच कहते हो या खेलते हो, लेकिन अगर ये खेल भी है तो एक सुहावना खेल है। इतनी करीब ना हो भोली नागन, कभी कभी खेल में भी धोखा हो जाता है। लेकिन तुम्ही ने तो बताया था कि जिंदगी इसी का नाम है। बेबी, अभी अभी दिलीप का फोन आया था, वो यहाँ आ रहा है। लो, आप अपने दाम में सयाद आ गया। आज बेचारे दिलीप की खैरियत नहीं। आप अपनी खैरियत मनाइए हुजूर। आईना है कि है कातिल के मुकाबिल कातिल, मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल कातिल। शुक्रिया। अच्छा, तो आप शिकार की तैयारी कीजिए, बंदा चलता है। टाटा। कोई जल जल मरे, कोई फांसी चढ़े, कोई जल जल मरे, कोई फांसी चढ़े, कितनों के दिलों को बुखार हो गया। आज फजर फजर जब फैली खबर के तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो गया। छोड़ के दुनिया के बंधन दो, दिल हमारे मिल गए, हाय दो दिल हमारे मिल गए। नजरों से नजरें जो मिले दो, ऊंचे चमन में खिल गए, दो ऊंचे चमन में खिल गए। घर वाले नाराज गुस्सा करता समाज, घर वाले नाराज गुस्सा करता समाज, दुश्मन ये सारा संसार हो गया। आज फजर फजर जब फैली खबर के तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो गया, हो गया हो गया। ऑफिस को जाओ छुट्टी ले आओ, हाकिम से इतनी मर्जी करो, हो हाकिम से इतनी मर्जी करो, चाहे सोमवार हो चाहे बुधवार हो, चाहे सोमवार हो चाहे बुधवार हो, सब अपने लिए इतवार हो गया। आज फजर फजर जब फैली खबर के तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो गया, हो गया हो गया।
कोई जल जल मरे कोई फांसी चढ़े कितनों के दिलों को बुखार हो गया। आज फजर फजर जब फैली खबर के तेरा में रमे रम तेरा प्यार हो गया कहो दिलीप दादाजी की तबीयत कैसी है? बहुत खराब, शायद नहीं बचेंगे। ओ लॉर्ड, फिर क्या हुआ? लेकिन डार्लिंग, कल रात ही तो तुमने टेलीफोन पर कहा था कि उनकी तबीयत अच्छी हो गई है। हाँ, लेकिन आज सुबह होते ही बोले बहू रानी को फौरन ले आओ, मेरे दिल की हालत फिर से खराब हो रही है। मैं भागा भागा किरण के पास गया, कमबख्त ने मुझे सख्त बेइज्जत करके कमरे से निकाल दिया। बड़े अफसोस की बात है, फिर से एक बार कह के देखो, शायद राजी हो जाए। लेकिन कहूँ किससे? थैंक यू डार्लिंग, अब तक तो वो शायद बंबई छोड़कर चली गई होगी। अब दादाजी से जाकर क्या कहूंगा, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कहा? बंबई छोड़कर चली गई? हाँ, ऐसा ही तो कहा था। सुना बेबी, बंबई छोड़कर गई, मम्मी गई बंबई छोड़कर। आ आ आ, वो मारा ट्विस्ट। प्लीज डायरेक्टर, इस बार खूब सोच विचार कर ट्विस्ट मारिएगा, यानी कि कोई अच्छी सी तरकीब लगाइएगा। आपके कल वाले ट्विस्ट ने तो मेरा तख्ता ही उलट दिया था। देखिए मिस्टर दिलीप, देखिए, आप मेरे 8 बरस के असिस्टेंट डायरेक्टर राइटर के तजुर्बे की हद कर रहे हैं। मैंने 14 डायरेक्टरों को असिस्ट किया है। हुजूर, मैं तो वो ट्विस्ट मारता हूँ कि सिल्वर जुबली हो। आप भी सुनिएगा तो फड़क उठिएगा। मैं बगैर सुने फड़क रहा हूँ, फरमाइए। सुन तो लो, फरमाइए। हाँ तो सुनिए, देखिए, आप पहले किसी डॉक्टर से सुई लगवा लीजिए। सुई? जी हाँ, जिस अंग्रेज जबान में इंजेक्शन कहते हैं। मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा? जी हाँ। लेकिन बीमार तो दादाजी हैं। अरे घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर दिलीप, ये तो महज दिखलावा है। देखिए, इस वक्त बजे हैं 10, आप इंजेक्शन लेकर 12 बजे तक घर लौट जाइए। कैसे? हाँ, नंगे पांव, बिखरे बाल, मातमी चेहरा, आंखों में आंसू, हाथों में चिता की राख, और ये सब कुछ लेकर अपने दादाजी के पास जाइए और दादाजी से कहिए, कहिए, लिखो असिस्टेंट, लिखो जो कुछ मैं कहता हूँ, लिखते चले जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। कहिए सिसक सिसक कर, बिलक बिलक कर, हिचकियां ले लेकर, कहिए दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, कल रात को आपकी बहू रानी को ऐसा हो गया और वो आज सुबह हम सबको छोड़कर बोलो ही राम हो गए। ऐसे कही तो थैंक यू डायरेक्टर जियो डार्लिंग। कहाँ जा रही हो किरण? राय बहादुर के घर। क्यों? उनके शानदार पोते की सारी करतूतें उन्हें बता दूंगी। जरा इनको पता तो चले कि एक शरीफ लड़की से खेलने का क्या नतीजा होता है। लेकिन तू नहीं समझती मालती, राय बहादुर मेरे दादाजी के दोस्त हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। रज्जू बाबू, आप क्यों, कोई इतराज है? जी नहीं, मैंने तो समझा था कि बहू रानी आ गई। बहू रानी? अच्छा, ये दिलीप भैया तो बड़ा तेज निकला, उधर नाना जी मरे, इधर वो चुपके से बहू रानी ले आया। अरे वाह रे मेरे यार, नाना जी मरे नहीं, वो जिंदा है। जिंदा है? तो फिर मुझे तार देकर क्यों बुलवाया? ऐसा तार मिला कि समझो अमरे अमरे, और इधर वो भले चंगे बैठे, क्या मजाक है? देखो मेरा सामान और बिस्तर ऊपर पहुंचा दो और टैक्सी वाले को किराया चुका दो। टैक्सी वाले को किराया चुका दो? मन मूरख क्यों दीवाना है, अरे आज रहे कल जाना। अरे नाना आज रहे कल जाना। क्यों रज्जू, धर्मात्मा कब से बन गया? अजी क्या बताऊं नाना जी, आजकल मरते समय यही गाना चलता है। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। अजी रोना तो इसी बात का है। नाना साहब मजाक करता है। नाना जी, ये बहुरानी कौन सी बला? नजदीक आ बताता हूं। हाँ।
देखा रही है। आ गई बहू रानी, इस घर में कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। दादाजी देखे ना ये सब लोग। पुराने नौकर है ना, बरसों से इस घर ने खुशी की घड़ियां नहीं देखी। आज तुम्हारे आते ही सारा घर जगमगा उठा। हाँ जाओ जाओ, तुम लोग खूब खुशियां मनाओ। रज्जू यही है मेरी बहू रानी। जवाब नहीं। और ये है मेरा नाती। रज्जू नाना जी पागल समझते, पागल नहीं हूँ, नाम है रज्जू। इल्ला बिल्ला लाहौर में बिल्ली कूदी, खंडवा सीपी, बॉम्बे बाजार रोड, गाजा गुदाम के सामने बैलगाड़ी के पास, खंबे के नजदीक, डिस्प्ले का डोंगरे का वाला, मिथिला ब्रेक राइट हैंड पे, हजार पति। तो बहु रानी आ, चलो बेटा, तुम तो सचमुच मेरे घर की किरण बनकर आई हो। जी मैं। लेकिन दिलीप कहाँ गया? वो तो तुम्हें बुलाने गया था। जी जी, वो मेरे पास आए थे लेकिन मैंने उन्हें निकाल दिया और आपसे ये कहने आई हूँ। नहीं, 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 कहने की कुछ बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया उसे निकाल दिया। बैठो तो सही। बहुत अच्छा किया उसे तुमने निकाल, लेकिन उस बेवकूफ को तुम्हें सुधारना पड़ेगा बेटा। अरे अरे अरे, अरे कमाल करते हैं राय बहादुर साहब, आप भी यानी सारत में बिस्तर छोड़ बैठे हैं जनाब। तो क्या समझते हो तुम हमारी बहू रानी को? वो अपने कदमों में बरकत और हाथों में आवे आयात लेकर आई है डॉक्टर। अब मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं। सच बात है बहू रानी, तुमने हमारे राय बहादुर को एक नई जिंदगी दे दी है। और अब ये समझ लो बेटा कि इनकी जिंदगी और मौत का सवाल तुम्हारे हाथों में है। जी मेरे हाथों में? समझा दो डॉक्टर, इस बात को अच्छी तरह से समझा दो हमारी पगली बहू रानी को कि आज से उसे मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, गाना सुनाना पड़ेगा, हर तरह से मेरा दिल बहलाना पड़ेगा। आप लोग मेरी बातों को जरा समझने की कोशिश तो कीजिए। समझ लिया बहू रानी, यही कहोगे ना कि आज तुम दोनों की लड़ाई हो गई है और अब तुम उसे शादी करना नहीं चाहती हो। जी नहीं। जी नहीं, अब समझा, जब शादी से इनकार नहीं तो और बातों की फिक्र क्या है, क्यों डॉक्टर? तुम्हारे मोहल्ले में हैजा बहुत फैल रहा है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। मोहब्बत का ये प्रीत की है बाजी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सुनिए। कौन? मैं? नहीं सुनते। क्यों? जो लोग मुझसे आइए जाइए बैठिए सुनिए कहकर बातें करते हैं, मैं उनसे बातें नहीं करता। लंगूर कहीं का। अब आई ठिकाने पर। बोलो क्या बात है? मुझे इस मुसीबत से बचा लो। आखिर बात क्या है? इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। ऐसा? हम सुनेंगे। कल दिलीप बाबू धोखा देकर मुझे यहाँ ले आए हैं और दादाजी ने यकीन कर लिया है कि मैं सचमुच, कि तुम सचमुच इस घर की होने वाली बहू रानी हो। वल्ला क्या खूबसूरत सिचुएशन है। उसके बाद? अब तुम ही इस उलझन को सुलझा सकते हो। एक बात बतानी होगी। क्या? कहीं किसी और के साथ तो ये मोहब्बत का खेल? देखो सच सच बताना। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ती। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो मेरी एक बात सुनो। बुढ़ा आदमी बड़ा अनेक है और दिलीप भैया में भी कोई खास नुक्स नहीं है, वैसे वो भी एक स्क्रू ढीला ही है। सोच विचार कर देख लो, कहीं सचमुच ही तुम इस घर की बहू रानी बन जाओ तो कैसा हो। अरे ये क्या? इधर आ। हाँ मेरे पास।
अरे ये राख कहां से उठा लाया? ये क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन? कैसा इंजेक्शन? हैजे का। हैजे का? अरे तू कहता क्या है? कैसे कहूं दादाजी, कल यहां से जाने के बाद किरण को हैजा हो गया। किसको? किरण को, आपकी होने वाली बहू रानी को। क्या मतलब? ये कहते हुए मेरा कलेजा फटा जा रहा है दादाजी, कि आज सुबह जब मैं उसे लेने गया तब तक वो जिंदा थी। हाँ। शायद मुझे आखिरी बार मिलने के लिए अपनी पलकों में दम रोके पड़ी थी। इसके बाद? उसके बाद? हाँ। मेरे दोनों हाथों को थाम कर कहा, इस जिंदगी में ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अच्छा। लेकिन उस पार मैं आगे बिछा कर तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अपने दादाजी को मेरा प्रणाम देकर कहना। क्या कहने के लिए कहा? अभागिन आपकी कोई खिदमत ना कर सकी, मरने पर भी ये अफसोस रह जाएगा। और क्या? और आखिरी दो बूंद आंसू उसकी आंखों से ढलक पड़े। और बोलो बेटा, बोलो। और बोलो दादाजी। मत रो मेरे लाल, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। हाँ, जरा मुंह उठा के बोल। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बोल, अब बोल, फिर क्या हुआ? फिर फिर मेरी आंखें खुल गई। क्या हुआ सरकार, इस सर में दर्द? सर हो तो दर्द हो, सर ही नहीं है माता दीन, सर फिर गया। मोहब्बत में ऐसा ही होता है सरकार, बिल्कुल मेरे जैसी हालत। तुम्हारे जैसी हालत? क्या मतलब? जवानी कसम 16 आने मेरे जैसी है। ब्याह के बाद जब पहली बार ठकुराइन ने घूंघट उठाकर तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा, तो ये सर ऐसा फिरा कि आज तक ठिकाने ना आए। और सरकार, ठकुराइन भी मुझे देखकर इस कदर शर्माए कि उसकी तिरछी नजर आज तक सीधी ना हुई। नॉनसेंस, तुम सब लोग मुझे पागल बना दोगे। नयनतारा, मेरी प्यारी नयनतारा। सर फिर गया है, बिल्कुल मेरे जैसी हालत है। तारा? ये मैं तारा कौन? आज समझे नहीं है? ये तो बहू रानी जी का प्यार का नाम है। ओ, नैन तारा माने नैनों की। बस मेरी नैन तारा, तीर न चलाओ, तू मेरी नैन तारा नहीं, तान पूरा है। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए। इजाजत? इतनी जल्दी? जी हाँ, ट्यूशन पे जाना, एक लड़की को पढ़ाते। वाह, मुझे भी तो एक मास्टरनी की सख्त तलाश थी। आपको मास्टरनी की तलाश थी? हाँ, एक कड़े मास्टरनी की जरूरत है। जी मैं बहुत कड़ी, बच्चे मुझसे हमेशा डरते हैं। लेकिन ये बच्चे बहुत शौक है, एक तो उनमें से बिल्कुल ही गधा है, शायद तुमसे न समझे। आप देखिएगा, मैं बिल्कुल संभाल लूंगी। लेकिन मुझे तो ऐसी मास्टरनी की जरूरत है जो दिन रात साथ रहे। शरीफ घर होगा और अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो मुझे मंजूर है। हाँ, घर तो शरीफ ही है और तनख्वाह भी मुंह मांगे मिल जाएगी। लेकिन बच्चे कहाँ? एक तो तुम्हारे सामने बैठा है। जी आप? और दूसरा वो दिलीप जो एक बहुत बड़ा गधा है। जी नहीं, मुझे नौकरी नहीं। नहीं, 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 एक दफा इकरार करके फिर इनकार नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। यार मेरी समझ में नहीं आता कि उसने दादाजी से सारी बातें बता दी हैं या नहीं। नहीं तो फिर वो यहाँ आई क्यों है? उसे तुमसे प्यार हो गया है। क्या हो गया है? अरे भाई, उसे तुमसे प्यार हो गया है। क्या खाक प्यार हो गया है? चल हट। तो तुम समझते हो माता दीन की मोहब्बत उसे यहाँ खींच लाई है? लेकिन उसने मेरा अपमान किया है, कल मेरे मुंह पर रुपए फेंक कर चले गए, आज मुझे कुत्ते की तरह अपने घर से निकाल दिया। क्या बताऊं, अगर औरत ना होती तो मैं उसका गला घोट देता। ऐसा ऐसा ये क्या हो रहा? कुछ नहीं दादाजी, ये तो मेरा दोस्त है। जरा बहू रानी से माफी मांगी? जी नहीं। जाओ अभी माफी मांगो। मगर दादाजी,
अगर मगर कुछ नहीं फौरन जाओ। जी के इरादे अच्छे नहीं मालूम होते, छिप कर तुम दोनों की बातें जरूर सुनेंगे। जरा अच्छी तरह से मोहब्बत का खेल खेलना। अरे मोहब्बत का खेल अंटा गोड़ू साबुड़े ला इले देना पो इले देना। खाओगी? आज शाम को जब चलेंगे तुम एक डिब्बा खरीदूंगा। है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मगर मेरा कौन बच्चा है? बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा। जब हमारी शादी हो जाएगी तो भगवान दिया करेंगे ही है? आप पागल तो नहीं होगे? मोहब्बत में आदमी पागल हो जाता है डार्लिंग। डार्लिंग, मुझे इस तरह से पुकारने का हक आपको किसने दिया है? ये हक भला कोई किसी को देता है? मोहब्बत करने वाले दिलों में हक आपसे आ जाता है। क्या कह रहे हैं आप? ये आप आंखें क्यों मटका रहे हैं? बात यह है किरण कि जब से मेरी आंखों ने तुम्हें देखा है, मेरे दिल की हरकत के साथ साथ इन आंखों की हरकत भी बढ़ गई है। अब तो गुस्से को छोड़ दो, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। दिलीप बाबू सुनो, किरण सिर्फ एक बात सुन लीजिए, सीना चीर कर कोई अपना दिल नहीं दिखा सकता, और अपने दिल के जज्बात को बयान करने के लिए हर के पास जुबान नहीं होती। फिर भला तुम मेरी सच्ची मोहब्बत को टुकरा कर कैसे जा सकती हो? दिलीप बाबू, ये सच बात है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे अपनी इज्जत किसी से कम प्यारी नहीं। अपने घर में अकेली पाकर मेरा अपमान ना कीजिए। इतनी देर तक मजबूरन बेहूदों की तरह आपसे मोहब्बत का नाटक कर रहा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और जो आपने दादाजी से कोई बात नहीं कही, उसके लिए भी आपका एहसान मंद रहूंगा। अब तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज नहीं? इस तरह प्यार से कहने पर था कोई नाराज है?
रही थी मैं, सो रही थी मैं, सपनों की दुनिया में सो रही थी मैं, सो रही थी मैं, नींदिया के नगर में खो रही थी मैं, खो रही थी मैं। हाय आके किसी ने जगाया, जगाया रे, आके किसी ने जगाया, जगाया रे, सपने में साजन आ गए, रात मोहे मीठा मीठा सपना आया रे, सपने में साजन आ गए। चुपके चुपके मेरे महलों में आके, धीरे धीरे मेरा घूंघट हटा के, धीरे धीरे मेरा घूंघट हटा के, कोई कानों में गुन 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 गुनाया रे, कानों में गुन 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 गुनाया रे, सपने में साजन आ गए। रात मोहे मीठा मीठा सपना आया रे, सपने में साजन आ गए। अब उठिए भी महारानी जी, बांदी चाय लेकर आई है। शुक्रिया। क्या बात है, आखिर किसकी याद में इतनी खुश नजर आ रही हो? तेरी। हाय मैं तो मर गई, जरा मेरी नजरों से नजर तो मिला। मालूम होता है सपने में साजन आ गई। चल हट, मैं तो हट ही जाऊंगी, मगर हटने वाला नहीं हटेगा। जब तक वो तुम्हें डोली में बैठा कर न ले जाएगा, तब तक उन्हें चैन ही नहीं आएगा। कौन बताओ, अब शर्माती क्यों हो? तू नहीं जानती मालती, राय बहादुर ने मुझसे वादा लिया है कि मैं उन्हें इंसान बनाऊंगी। उन्हें किसको? वही। ओहो, वो निगोड़ा जो कल तक धोखेबाज और पगला था, आज वही हो गया? चल हट। मैं चलूं मालती। बहू रानी। दूर हो जाए यहाँ से, आधी रात को आई है दरवाजा ठोकने। चाय लाई हूँ बेटा। इसमें मेरा क्या कसूर है? बहू रानी का हुक्म है, चाय ठंडी हुई जा रही है बेटा, अंदर ले आऊं? खबरदार अंदर बताना, दूर हो जा मैं कहता हूँ, दूर हो जा चुड़ैल, मैं कहता हूँ दरवाजा बंद कर दे। अभी तक चुड़ैल कहेंगी, भेंगी कहेंगी, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, मेरा सारा दिल खराब हो जाएगा, जाती है नहीं। आप माफ कीजिएगा जी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सूरत देखकर आपका सारा दिन खराब होता है। जी नहीं, वो बबुआ भेंगी चुड़ैल। देखिए दादाजी का हुक्म है कि कल से 8 बजे तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाइए। खाली पीली काहे को अखा दिन बैठ के
वो मारता है। खाली पीले खाली पीले काहे को अखा दिन बैठ के बम मारता है। खाली पीली काहे को अखा दिन बैठ के बम मारता है। लेफ्ट 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 राइट हर बिस्तर से उठ के बाथरूम में तू जाके स्नान कर। हमाम लक्ष्य से रगड़ रगड़ बदन को साफ कर। खटिया से छोड़ वास्ता तैयार तेरा नाश्ता। भाभी तक है रास्ता ओ आलसी ओ आलसी। कहे को हिम्मत मारता है बम मारता है। खाली पीली काहे को अखा दिन बैठ के बम मारता है। खाली पीले हाँ। ये लड़की फिर से यहाँ क्यों आ गई? नाना ने किया घोटाला तो गड़बड़ झाला समझ नहीं आला रे हो। नाना ने किया घोटाला तो गड़बड़ गड़बड़ झाला समझ नहीं आला रे। नाना जी ने बैठे बैठे अपनी अकल घुमाई है। नाना जी ने बैठे बैठे अपनी अकल घुमाई। बच्चू बच्चू जी बच्चू बच्चू जी ये नार नवेली पढ़ाने तुम्हें आई है पढ़ाने तुम्हें आई है। कैट मन बिल्ली रट मन चूहा कैट मन बिल्ली रट मन चूहा। एलो एलो वी लाभ माने प्यार प्यार माने मोहब्बत मोहब्बत माने। अरे बाप रे बाप अब क्या करें? झूठा सच्चा प्यार जतावो ठंडी ठंडी आहें भरो। हाय इसके प्रेम में पागल बनकर कभी जियो और कभी मरो मरो मरो। बात मेरी मान ले तो तेरा बेड़ा पार है। नहीं तो बच्चू नाव तेरी गुड़ू मझधार है। यही है मेरा फैसला अब देखे तेरा हौसला। ओ पहलवान कहे को हिम्मत आता है बम मारता है। खाली पीली काहे को अखा दिन बैठ के बम मारता है। अब वो मारता है हेलो छोटे सरकार को हुजूर का नाम। मैं समझ गया अब भी देता हूँ जरा इंतजार कीजिए। नयनतारा अरे तू नहीं ऊपर से बहुरानी छोटे सरकार को टेलीफोन कर रही। तेरी टेलीफोन की घंटी तो सीने में 24 घंटे टरन टन टरन टन बजती है। हेलो छोटे सरकार बहुरानी का टेलीफोन। हेलो क्या कहा? फिर से कहूं डार्लिंग। खबरदार जो मुझे डार्लिंग कहकर पुकारा मैं आपकी चालों को अच्छी तरह समझने लगा। डार्लिंग तुम अपनी नैन तारा से नैन नैन डार्लिंग ना नैन तारा इस माता दीन के बच्चे को क्यों भगवान ने तुम्हें इस कदर खूबसूरत माता दी। सरकार ये क्यों नहीं बताया कि नयनतारा का टेलीफोन था? जी वही तो बताया सरकार। तुमने तो कहा कि बहुरानी का है। जी वही तो के बच्चे याद रहे
बहुरानी का नाम नयनतारा नहीं किरण है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सरकार कि नयनतारा बहुरानी के प्यार का नाम है। एब्सोल्युटली होपलेस। हेलो बहुरानी। हेलो, मुझे माफ कर दो डार्लिंग। डार्लिंग, क्या हो गया है आपको? क्या बताऊं क्या हो गया है, सर फिर गया है, पागल हो गया हूं। अब तो मेरी दवा तुम्हारे ही हाथों में है डार्लिंग। जी हाँ, घबराइए नहीं, ऐसी दवा दूंगी कि आपका सर बिल्कुल ठिकाने आ जाएगा। आपके इलाज के लिए तो मैं नौकर रखी गई हूँ। और सुनिए, खाना तैयार है, खाकर ही कहीं जाइएगा। किस मुसीबत में फंस गया दिलीप बेटा, कभी किरण का टेलीफोन आता है, कभी नयनतारा का। हेलो हेलो, फोन काट दो मम्मी, मुझे उससे बात नहीं करना है। बेबी तुझे धोखा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मम्मी। डार्लिंग मैंने छगन को भी बुलवा भेजा है, लेकिन मेरी बात तो मान ले और एक दफे दिलीप से बात कर ले। अच्छा, हेलो हेलो जी, अभी अभी नाक रगड़ चुका हूँ, कान पकड़ चुका हूँ, हाथ जोड़ चुका हूँ, फिर भी छुटकारा नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो दिलीप? कह तो दिया है कि पागल हो चुका हूँ, अब जान भी लेना चाहती हैं तो बोलिए, जहर खा लूँ। दिलीप तुम अपने नयनतारा से इस कदर रूठ गए? नयन, नयनतारा, तुम्हें भगवान की कसम सच सच बता दो, तुम नयनतारा ही हो ना? भगवान की कसम मैं नयनतारा हूँ, तुम्हें हो क्या गया है आज? मुझे माफ कर दो नयन, मैंने धोखे में आकर तुम्हें बुरा भला कहा। क्या कहा? 7 बजे मैं जरूर आऊंगा। हाँ, रिवोली थिएटर। हाँ था डालें। मैं क्या करूं मैम साहब, वो छोटे सरकार की बिल्ली 2 चौप खा गई। सुनिए, मैं आपका एहसान मंद जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं कि मैं इस घर का मालिक हूँ। और आप? मैं इस घर में नौकरी करती, इसके बाद जब मैं मालिक हूँ अगर चाहूँ तो आपको आपको इस घर की मालकिन बना सकता हूँ। सच किरण, तुमने तो एक ही दिन में सारे घर की काया पलट कर दी है। आज मेरी समझ में आया कि मैं तुमसे क्यों इतना प्यार करता हूँ। दादाजी आइए आइए, खाना खाइए। अच्छा रज्जू, डार्विन का कहना है कि बंदर से इंसान बना है, लेकिन गधे से भी इंसान बन सकता है, इस बारे में किसी ने कुछ कहा है? आपने को नहीं मालूम, अपन तो स्कूल में नहीं गया। समझे नहीं दादाजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं अरे खाकर तो ले, बहुत अच्छा बना है। दिलीप, दोपहर के बाद जरा बाजार चले जाना, कुछ सामान लाना। क्या लाना है दादाजी? किरण ने लिस्ट बना रखी है। तब तो ठीक है, खाने के बाद तुम मुझे समझा देना। भाभी जरा हाथ दिखाना। अच्छा, तो जनाब हाथ भी देख लेते हैं। बता मेरे हाथ में क्या है। तुम्हारे हाथ की रेखाएं साफ बता रही है कि तुम भैया के कमरे से झांक के आ रही हो। मेरी जूती गई थी तुम्हारे भैया के कमरे में। सिर्फ जूती ही नहीं, तुम्हारे ये पैर भी अंदर गए थे, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, यहाँ तक कि तुम्हारा दिल भी अंदर गया था। कह दो दिल पर हाथ रखकर अगर मैं झूठ कहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने गई थी कि उन्हें और कितनी देर है। जी हाँ, आज बेचारे की बड़ी बुरी हालत होने वाली है। जो 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 ये रेखा तो साफ बता रही है कि तुम्हारा शागिर्द तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर भागने वाला है। अजी बहुत देखे भागने वाले, देख लेना। ए, 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 वो मास्टर ने भी तुम्हारे साथ जा रही है।
क्यों? नाना जी की चाल है। नाना जी की चाल है? अच्छा, तब तो बुरे फंसे। वो तो है। लो भाई संभालो। आपकी लिस्ट के मुताबिक सब चीजें आ गई। अच्छा, और आप? जी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, जरा दादर तक जाना। आपको बेकार में देर हो जाएगी, आप चले जाइए, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। टैक्सी आपको शाम में कितनी देर लगेगी? यही समझ लीजिए कोई 10-15 मिनट लग जाएंगे, मैं गया और आया बस। तो फिर उसके लिए टैक्सी की क्या जरूरत है? 10-15 मिनट में इंतजार कर। आइए दिलीप साहब, अरे बहुत देर से आप ही का तो इंतजार हो रहा है। आइए, चलिए चलिए चलिए। हेलो दिलीप, आ गए तुम? जी हाँ। तो आप ही हैं मिस्टर दिलीप? आप हैं मिस्टर अशोक कुमार, हमारी फिल्मी दुनिया के एक जगमगाते हुए सितारे। अजी सितारा नहीं, मैं तो इस जगमगाती हुई शमा का एक छोटा सा परवाना हूँ। शमा जलती है, परवाना चक्कर लगाता है और रात यूं ही बीत जाती है। आओ दिलीप। हाँ आइए आइए, शमा की रोशनी सबके लिए है। जी नहीं, बचपना छोड़ो दिलीप, आओ, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। अजी मैं नयनतारा के नाच की तारीफ कर रहा था, आज तो सचमुच इनकी अदाओं ने दुनिया को दीवाना बना दिया है। आपका क्या ख्याल है? जी दीवाना नहीं, बेवकूफ। अजी हाँ बेवकूफ, परवाना बेवकूफ होता है इसीलिए तो जलता है। सिगार? जी नहीं शुक्रिया। अच्छा नैन, क्यों चलती है? हाँ दिलीप बाबू इंतजार कर रहे हैं। बैठो दिलीप। अब बैठने की जरूरत है? क्यों, क्या हुआ? क्यों, कुछ हुआ ही नहीं। बस इतनी सी बात पर उठ गए? अरे मैं तो अशोक कुमार को बेवकूफ बना रही थी। अशोक कुमार को या मुझे? दिलीप ये तुम क्या कह रहे हो? तुम आज मुझे साफ साफ बता दो कि मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। मैं बेवकूफ हो सकता हूँ नायन, मगर बेवफा नहीं। जब तक तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, दिलीप तुम्हारा है। अच्छा मैं जाके अपनी जगह पर बैठता हूँ, तुम तैयार करो। लेकिन खेल खत्म होने के बाद मुझे घर छोड़ना पड़ेगा।
शुक्रिया। क्या बात है दिलीप बाबू? कुछ नहीं, परवाना भर गया, शर्म बच गई। शिकार हाथ से निकल तो नहीं गया? शिकार और नैनतारा के हाथ से निकल जाए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नैन, तुम्हें तरस नहीं आता? डरा नहीं, नैनतारा के दिल को दिलीप से मोहब्बत नहीं आ सकती। इसलिए तो और भी डरता हूँ, बेचारे को सौदागर महंगा ना पड़ जाए। पढ़ने तो मुझे तो जैसा भी हो हीरोइन बनना है, और ये पैसा दिलीप के ही पास से आ सकता है, बेचारा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, छोटे सरकार आ गए? जी हाँ। सामान अंदर लियो। अजी वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई, अजीब मुसीबत। आखिर इसकी वजह क्या है, कुछ बता सकते हो? अरे भाई बात बिल्कुल साफ है, उसे तुमसे मोहब्बत हो गई। किरण और मुझसे मोहब्बत करे? नामुमकिन, कतई नामुमकिन। क्यों? मुझ जैसे दगाबाज और कमीने को किरण कैसे पसंद कर सकती है? अरे भाई राय बहादुर के इकलौते पोते को भला कोई लड़की ना पसंद कर सकती? ये बात नहीं है रज्जू, मैंने उसे अच्छी तरह परख लिया है। मेरी चालबाजियों का भांडा फूट जाने से कहीं दादाजी की जान न चले जाए, शायद इसी ख्याल से आज तक इस घर में रुकी पड़ी है, वरना हमारी पहली मुलाकात के बाद ही कभी भूल कर भी इस घर में कदम न रखती। ये आज तुम्हें हो क्या गया है? कह नहीं सकता क्या हो गया है, लेकिन जितना ही उसके बारे में सोचता हूं उतना ही उसकी तरफ खींचा जा रहा हूं। शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, शायद मेरी जिंदगी में भी सहर हो जाए। जिनसे पल भर की पहचान बने अब मन के वो मेहमान, ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन है। कि जिनसे पल भर की पहचान हुए है जब से वो अपने हुए है, जब से वो अपने मैं देखूं दिन में भी सपने, ये कैसी उलझन है, ये क्या पागलपन है। कि जिनसे पल भर की पहचान की हार किसी की जीत, किसी की हार किसी की जीत, अनोखी है यहाँ की रीत, अनोखी है यहाँ की रीत, बिना सुर गूंजता संगीत, ये कैसा गुंजन है, ये क्या पागलपन है। जिनसे पल भर की पहचान चोर, ये कैसा बंधन है, ये क्या पागलपन है। जिनसे पल भर की पहचान बने अब मन के वो मेहमान,
ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन है कि जिनसे पल भर की पहचान। निर्मल की बेटी को मेरे आशीर्वाद के साथ ये हार दे देना। जी अच्छा। और सुनो, मुंशी राम बहादुर, मनोहर लाल जी, बाबू श्याम किशोर, गर्ज यह है कि मेरे तमाम दोस्त और रिश्तेदारों से मिलते भी आना और सबसे मेरी नमस्ते कह देना। जी अच्छा। ये रहा आपका सामान और ये रही देखिए। शुक्रिया। अरे ये क्या? मैं दिल्ली विली कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वही पागलपन शुरू कर दिया। चलिए उठिए, आखिर किसी ना किसी को तो दिल्ली जाना पड़ेगा, और फिर बूढ़े दादाजी को तकलीफ देने के बजाय। आखिर जाने की जरूरत ही क्या? बुलाऊं दादाजी को, वो समझा देंगे। बुलाऊं दादाजी को? बस एक दादाजी मिल गया, हर बात में बुलाऊं दादाजी को, बुलाऊं दादाजी को, यही बुला लाइए। अच्छा छोड़िए, आखिर इतनी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठने की क्या जरूरत है? शादी में जा रहे हैं, खुशी खुशी जाइए। मेरी शादी तो नहीं हो रही है। ओहो, तो ये बात है, बड़ी चाह है शादी की, कहिए तो कोई लड़की तलाश करूं। जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जी हाँ, लड़की तलाश करने में तो आप खूब माहिर हैं। ये सामान गाड़ी में रखो। अच्छा जी। चलिए, आपके प्लेन का वक्त हो रहा है, चलिए। नमस्ते। देखिए बंबई के बाहर ठंड ज्यादा पड़ती है, खासकर देखिए, जरा देखभाल कर रहिएगा कहीं बीमार ना पड़ जाए। अजी बीमार पड़ गया, मर गया आपकी बला से, आप सबको तो फुर्सत हो जाएगी। घर से जाते हुए कोई ऐसी बातें करता है? मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना गलत समझते, चाहिए मैं आपसे नहीं बात करती। किरण, किरण देवी। साहब, आपको कोई साहब गाड़ी में बुला रहे हैं क्या? ओ, तुम? सुनो दिलीप, अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा। मेरी बात तो सुनो। जरूरत नहीं। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? दो रोज से तुम्हें टेलीफोन कर रही हूँ, ना तुम मुझसे बात ही करते हो, ना अपनी सूरत ही दिखाते हो। एक्टिंग रहने दो नायन, ये स्टेज नहीं है। दिलीप, अरे अरे दिलीप बाबू, दिलीप बाबू, दिलीप बाबू, ये आपने क्या किया? क्या हुआ? आप कुछ नहीं समझे? अरे आप कब समझेंगे उस बिचारी के दिल की बात? दिलीप बाबू, वो दो दिन से अपने पर्स में जहर की शीशी लिए घूम रही है जान देने के लिए। जहर की शीशी? आइए आइए, जल्दी आइए वरना खत्म हो जाएगा। मिस्टर खामखा, जल्दी सामान रखिए, सामान रखिए। लेकिन मेरा प्लेन? अजी प्लेन को मारिए गोली दिलीप बाबू, प्लेन आपको दोबारा भी मिल जाएगा, लेकिन नैन तारा एक बार मरकर फिर जिंदा नहीं होगी। आइए आइए, फिर नहीं मिलेगी। लुट गई है, नयन ने खुदकुशी कर ली, आज वो जिंदा नहीं है। क्या करिए मम्मी? नयन, नयन, दरवाजा खोलो। मैं दिलीप हूँ, दिलीप, दरवाजा खोल डालो। मैं दिलीप हूँ, दिलीप, मैं तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि वो जहर खा लेगी, उसने जहर खा लिया, अब क्या होगा? संभल के, संभल के दिलीप, दिलीप,
कहो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? सिर्फ 5 रोज के लिए मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ किसी रिश्तेदार की शादी है। नहीं, समझने की कोशिश करो। नहीं, सिर्फ 5 रोज। नहीं नहीं नहीं, सुनो तुम। नाइन, अरे दिली बाबू क्या? डायरेक्टर साहब जरा इसे समझाइए, मुझे सिर्फ 5 रोज के लिए जाना है, दिल्ली में एक रिश्तेदार की शादी है, जरा समझाइए। तो सीधे सीधे आप इसे जहर दे दीजिए और शौक से दिल्ली चले जाइए। लेकिन मेरा जाना नहायत जरूरी है डायरेक्टर साहब। दिलीप बाबू, अगर आपके रिश्तेदार की शादी नयनतारा की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है तो आप शौक से दिल्ली जा सकते हैं। आप समझते नहीं, मैं सब कुछ समझता हूँ। मेरी बात मानो तो चुपके से 5 दिन यहीं रह जाओ, इसके बाद जब इसके दिल को ढारस बन जाए तो 5 दिन घर चले जाना। ये सरासर धोखा है। लेकिन किस कदर मीठा धोखा है, नयनतारा की जान बचती है, आपकी मोहब्बत बढ़ती है और बंदे की शान। एक टिकट में 3 मजे दिल्ली बाबू, और रही दिल्ली की शादी, वो आपके बगैर भी हो जाएगी। लेकिन कहीं कैसे? हाँ, लाइए बस, बस डोंट टॉक, उसे मना लो जाके, बस जाओ जाओ। मम्मी इधर आना। नाइन, मेरी बात तो सुनो। नाइन जाओ, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। अच्छा बाबा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बस सच? अब उसके रास्ते तुम हो जा नहीं। जल्दी नाराज हो जाती तुम। नमस्ते दिलीप बाबू, आप यहाँ इतनी रात को? दिलीप दिल्ली जा रहा था, मैंने इसे कैद कर रखा है ऐसे। ओ भाई किस्मत के धनी, पर ना ऐसी मोहब्बत की कैद किसको नसीब होती है। ओ अशोक, तुम इतनी रात को? नाइट शूटिंग थी क्या? और नहीं मम्मी, मैं तो दिलीप, चलो बेटा अपना कमरा देख लो। जी। तुमने तो कहा था आज नहीं आओगे, मगर मेरा दिल कहता था तुम जरूर आओगे। तो तुमने बाजी जीत ली। तुम्हारा क्या ख्याल था, हार जाऊंगी? नहीं, इस खेल में तो हार जीत का सवाल ही नहीं उठता। कोई हार कर जीत लेता है और कोई जीत कर हार जाता है। देख रहे हो? मकड़ी का जाला, कितना खूबसूरत है, है ना? अशोक, एक बुरी खबर है। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे नयनतारा के दिल को सच में तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। समझदार लोग कभी दिल से मोहब्बत नहीं करते, वो हमेशा दिमाग से मोहब्बत करते हैं, और तुम तो काफी समझदार हो। इसीलिए तो कहती हूँ कि खबर बुरी है। नहायत, लेकिन इसकी वजह क्या है? यही कि तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे समझ सकते हो। बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर जानबूझकर इसमें पांव क्यों डालते हो? मैं हमेशा जानबूझकर ही पांव डाला करता हूँ, ये जाल तोड़ना मेरे लिए खेल है। ये लड़की भी अजीब है, आज फिर अशोक के साथ बाहर चली गई। मम्मी, अगर दिलीप को पता चल गया तो अपने सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा, तो तुम इसे समझाती क्यों नहीं? क्या करूं? बेबी, तुम जरा दिलीप के पास जाकर इस तरह से बैठो कि हम एक तुम्हारी तस्वीर ले सके। लेकिन मुझे तो अभी अशोक के साथ बाहर जाना है। ओफो बाबा, तुम अशोक छोड़ रणधीर के साथ चली जाना, मगर बेबी दिलीप को फांसने के लिए तुम्हारी और उसकी फोटो का होना बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा। डायरेक्टर साहब बिल्कुल लैला मजनू का पोज रहे हैं। लैला मजनू, अरे जाओ जाओ जल्दी से उनकी तस्वीर ले लो। ये सर। आहिस्ता जल्दी।
जरा देखा भाभी, भैया की कोई चिट्ठी है? क्या बात है भाभी, देखूं? दिलीप के खत से मालूम हुआ कि वो आपकी बीमारी की वजह से दिल्ली ना आ सका। निर्मल, तो इससे क्या साबित होता है? यही कि वो हमें फिर धोखा दे गए। नहीं, सिर्फ यही कि भैया दिल्ली नहीं गए। बात एक ही है, अगर वो हमें धोखा देना नहीं चाहते तो घर वापस आ सकते थे। हंसते क्यों हो भाभी? तुम भी तो उनसे मोहब्बत करती हो, क्या दाम है उस मोहब्बत का अगर तुम ही उन्हें समझने की कोशिश न करो? क्या फायदा है उस मोहब्बत का अगर गिरते हुए को तुम न उठा सको? दिलीप भैया ने अगर कोई गलती की है तो तुम उन्हें अपने से दूर हटा दोगी? उनकी गलती को सुधारने के लिए तुम उन्हें अपने और करीब नहीं बुला लोगी? भाभी, मोहब्बत उसी का नाम है जो इंसान को कुर्बानियां सिखाती है। जी हाँ, 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 आपने जो कुछ फरमाया था मैंने इंक्वायरी की, ठीक है, लेकिन वो है कहाँ? माफ कीजिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? समझ लीजिए मेरी खुशी। आपने ये खबर क्यों दी? ये भी मेरी खुशी है। आखिर आप हैं कौन? जानने की जरूरत नहीं। सुनिए तो जी, क्या बात है नाना जी? मुझे एक तूफान का अंदेशा है रज्जू, दिलीप दिल्ली नहीं गया। जरा बकल लगा दो, मुझसे नहीं लगता है। आज फिर अशोक के साथ जुहू जाओगी? कैसी लग रही हूं मैं? क्यों तुम रोज रात को अशोक के साथ जुहू चली जाती हो? अशोक को इससे पहले फुर्सत ही नहीं मिलती है। मुझे अंग न में आई आली मैं। क्या मतलब? तुम अशोक के साथ कहीं नहीं जाओगी। क्यों, तुम्हारा हुक्म है क्या? हाँ है। तो मैं जरूर जाऊंगी। क्यों? क्यों सुनना चाहते हो? इसलिए कि मेरा जी चाहता है। नहीं। इसलिए कि मुझे अशोक कुमार से मोहब्बत है। नहीं। चिल्लाओ नहीं, शरीफ आदमियों की तरह हट के बात करो। तो क्या आज तक तुम मुझे धोखा देती रही? शाबाश। क्या ये सब कुछ नाटक था? अरे तुम तो बड़े होशियार होते जा रहे हो। सुन लो, मुझे ना तो तुमसे मोहब्बत है और ना तुम्हारे खानदान से। हाँ, तुम्हारी दौलत मुझे पसंद है और खानदान के बड़े नाम से फायदा उठाया जा सकता है। आ गए तुम, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। नमस्ते मिस्टर दिलीप। मिस्टर अशोक कुमार। चलो अशोक कुमार, चाचा डार्लिंग। नहीं, मैं आज ही घर चला जाऊंगा। अगर हिम्मत हो तो चले जाना। बड़े
परेशान दिख रहे हो। मेरा सामान बंधवा दीजिए, मैं अभी घर जाऊंगा। घर जाके दादाजी पूछेंगे, क्या कहोगे? कहूंगा नरक में पड़ा था। नरक कहो या स्वर्ग, लेकिन इस जगह को भूल ना जाना, यही तो तुम्हारी ससुराल है। ससुराल है? कितने भोले हो तुम, मैं तुम पे वारी जाऊं। अब जरा अपने दादाजी से कह के नयनतारा से अपनी शादी की बात जल्दी पक्की कर लेना। नयनतारा से शादी करूंगा मैं? हाँ, तुम। अब हमारी लड़की से भला और कौन शादी करेगा? 5 दिन से तुम हमारे घर में रहते हो, हमारी भी तो इज्जत है। इज्जत? आप लोगों की? ये भी खूब कही। इज्जत? यूं हंस के ना टालो मेरी बातों को। शादी की बात जल्दी पक्की करवा लो, वरना तुम्हें और तुम्हारे दादाजी दोनों को अदालत में लाए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। आखिर हम तुम दोनों इज्जतदार हैं। जब ये अदालत में पेश होंगी, जब वकील अपने जिरह करेंगे, जब अखबारों में इन्हें छापा जाएगा, नीचे लिखा होगा शहर के बड़े खानदान के नूर नजर की करतूत। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, ये शादी जरूर होगी। तुम्हें नयनतारा से मोहब्बत हो या ना हो। और तुम तो जाके भूल गए,
के ना हम तुम्हें दादाजी। तुम अभी तक घर नहीं गई बेटी? जा ही रही थी, आप अभी तक सोए नहीं। नींद नहीं आ रही है बेटा। जानती हो ये किसकी तस्वीर है? तीन साल के इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप कर बहू रानी इस दुनिया से चल बसी। आज दिलीप जवान हो गया है, लेकिन ये बूढ़ा भी राह चलते चलते थक चुका है। अब अपनी जिम्मेदारी उन हाथों को सौंपना चाहता है जो तुम्हारे हाथों की तरह कोमल और मजबूत हो। दादाजी, आपको बड़ा भारी धोखा हो रहा है। मैं सब कुछ जानता हूं बेटा। इसी गोद में पाल पोस कर मैंने दिलीप को बड़ा किया। आज वो अपने चालों से खुद ही फंस गया है। लेकिन अगर मैं अपने आप को इस काबिल ना समझूं। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली बेटा। मुझे भी भले बुरे की पहचान है। मैं भी जानता हूं कौन लायक है और कौन नालायक। बेटा, आज मैं तुमसे एक भीख मांगने पर मजबूर हूं। कहो, निराश तो नहीं कर दोगी? दादाजी, मैं तो एक गरीब लड़की हूं। तुम गरीब हो सकती हो, लेकिन दिल तुम्हारा गरीब नहीं है बेटा। इसीलिए मैं अपने खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथों सौंपना चाहता था। एक तूफान का अंदेशा है। इस तूफान से मेरे घर को कौन बचाएगा? कैसा तूफान दादाजी? वक्त आने पर तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा बेटा। लेकिन इस वक्त तुमसे सिर्फ यही वादा चाहता हूं कि जिस वक्त वो तूफान आए और मेरे घर का चिराग छिलमिलाने लगे, तुम उसे बचा लोगी। बोलो बोलो बेटा, बचा लोगी ना? अरे आप यहां हैं? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। चलते वक्त आपने जो गर्म कपड़े सूटकेस में रख दिए थे, उन्होंने दिल्ली में जान बचाई, वरना मैं सर्दी से मर जाता। आप मुझ पर नाराज हैं, जाते वक्त मुझसे खता हो गए, लेकिन यकीन मानिए वो बात मुझसे आज तक छुप रही है। मुझे माफ कर दीजिए। आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहीं बीमार तो नहीं हो गए? जी नहीं, यूं ही सफर की थकावट, शादी के हंगामे। जी आज दिल्ली से चिट्ठी आई। दिल्ली से? दादाजी ने यह खत देखा है? जी नहीं, लेकिन आखिर बूढ़े दादाजी को
और कितने दिनों तक धोखा दीजिएगा? किरण, किरण देवी, रज्जू, किरण को बुला लो, वो मुझसे खफा होकर चली गई। मैं उससे सारी बात ही बता देना चाहता हूँ। घबराते क्यों? किरण खफा होकर चली गई तो हुआ क्या? वो तुम्हारी होती कौन है जो उसके खफा होने से तुम्हें तकलीफ होने लगी? रज्जू, मैं सुन रहा हूँ। तू नहीं समझेगा रज्जू, मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। दुनिया में हर कोई सोचता है कि एक आदमी या तो दिन की तरह सफेद हो सकता है और या रात की तरह काला, लेकिन दिन और रात के बीच में शाम भी तो होती है, सुबह भी तो आती है जब दोनों रंग मिल जाते हैं। हाँ, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? जानते हो फिर भी पूछते हो। मैं जानता हूं रज्जू कि मैं कमजोर हूं, झूठा हूं, नाकाबिल हूं। जो काबिल है उनके लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन जो नाकाबिल और कमजोर है भगवान ने उन्हीं के लिए तो ममता भेजी है। रज्जू, मैं किरण से प्यार करता हूं, उसका प्रेम, उसके कोमल लेकिन मजबूत हाथों का बंधन चाहता हूं। मेरी कमजोरियों की वजह से अगर ये ना भी मिले तो क्या मुझे उसकी ममता भी नहीं मिलेगी? उसकी नफरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रज्जू, वो मुझे हरदम जलाती रहेगी। छोटे सरकार की शादी तुमसे किसने कहा? पुराने नौकर को सरकार कुछ कहने की जरूरत होती है। तो सब सामान तैयार रखा होगा जैसे मेरे मरने के वक्त रखा था? जी हाँ सरकार, सामग्री से लेकर सब कुछ। अच्छा। ये रही मेहमानों की लिस्ट, इन्हें न्योता भेज देना। ये भी भेज दिया सरकार, ये भी भेज दिया, ये भी भेज दिया। क्यों रे, दिलीप ने क्या लिखा है? तू खुद ही पढ़ ले। अच्छा, मैं खुद ही पढ़ लूं। मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, आप मुझे निराश न कीजिएगा। क्यों री, वो तुझे अभी तक आप कहकर पुकारता है? कहेगा क्यों नहीं, मैं उसकी मास्टरनी जो ठहरी। मास्टरनी जी, आपसे एक विनती है। जी फरमाइए। आज जब उससे मिलोगी तो एक मास्टरनी की तरह नहीं, एक लड़की की तरह। हुँ? जो हुकुम सरकार। बहन, एक बात मानेगी? क्या? पहले वचन दे। वचन देती। तू आज दिलीप से कुछ न कहना, चाहे वो कितनी ही गलत बात क्यों न कहे, तू उनसे कुछ न कहेगी। देख, आज ना नहीं, हाँ होगी। अच्छा बाबा, अच्छा। बिल्कुल एक स्वप्न की तरह जान पड़ता है ना? हाँ। मैं जाऊं। आप आ गए, आइए। एक बात कहूँ? कहिए। आज से आप मुझे आप मत कहिए, तुम कहिए। तुम? किरण देवी? देवी नहीं,
मामूली सी एक लड़की, जिस तरह दुनिया में और लाखों मामूली लड़कियां हैं। इन लाखों में हर लड़की किसी ना किसी के लिए गैर मामूली होती है। आओ। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बैठो। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं ये सब कुछ बिल्कुल एक सपने की तरह जान पड़ता है। थोड़े दिनों की पहचान में ही आज 16वां दिन है। इन 16 दिनों में क्या कुछ नहीं हो गया, हर चीज नहीं मालूम होने लगी, खुद अपने आप को भी नए ढंग से देखने लगा। एक बात सच सच बताओगी, तुम मुझसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? खाली तरस खाकर, दया भाव से? जी ऐसा ना करो, मुझे तकलीफ होती है। तुम में किस बात की कमी है? तो फिर मैं कैसे कहूं? तुम खुद समझ लो ना। क्या हुआ? मैंने तुम्हें धोखा दिया है कभी? आज तक, इस वक्त तक तुम्हें धोखा दे रहा हूं, ऐसा लचर जलील धोखा। सुनो, मुंह उठाओ, मेरी तरफ देखो। नैन तारा की बात कहोगे ना, मुझे सब मालूम, लेकिन इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम देवता नहीं हो, इंसान हो। रज्जू ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना करीब पा रही हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, वरना मुझे इतनी खुशी क्यों होती? इतनी खुशी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिससे आज मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है, उसे हमेशा के लिए अपनाना पड़ेगा। उन्होंने मेरी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया है। मुझे शादी नयनतारा से करनी, नहीं तो वो दादाजी को घसीट कर अदालत में ले जाएंगे और दादाजी कभी सदमे से बच नहीं सकेंगे। आज से 16 दिन पहले शायद मैं इस नफरत को बर्दाश्त कर सकता, लेकिन आज, आज जब मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है, माफी नहीं मांगूंगा तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं हूं। एक छोटी सी भीख मांगता हूं। कहो। कल जब दादाजी तुम्हारे लिए गाड़ी भेजे तो लिख भेजना कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। इसके अलावा दादाजी को राजी करने का और कोई तरीका नहीं। लिख दूंगी किरण देवी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो, थोड़ी देर के लिए। कौन है? मैं हूँ मम्मी। कहो दिलीप, क्या फैसला किया?
कल शाम को नयनतारा को लेकर यहाँ आ जाओ। बड़े अच्छे हो शादी नहीं कर सकते और यही कहने के लिए मुझे बुलाया था। रो नहीं मानती,
बिरहा में जो मन मंदिर सुना होता उसमें भी बांसुरी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती, लेकिन जुदाई में जो मन मंदिर सुना होता उसके सन्नाटे में कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। चुपचाप गहरी कभी ना खत्म होने वाली खामोशी, वहां रोने की आवाज भी बेसुरी मालूम होती। रोने अरे भाई दलीप इधर आओ ना बेटा, दीवान साहब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो 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 चलो। हाँ इधर मोतीलाल जी से मिल लो। नमस्ते दिलीप राज। छोटे सा कर वो लंतारा मीम साहब और उनका माँ आ गया, उनको मेरे कमरे में ले जाके बैठा। अरे भाई रोमी, ए माता दीन, माता दी। डॉक्टर जी बहू रानी को लेकर गई हुई है, लेकिन जी क्या है रे? चलो ऊपर चल। का क्या मतलब जी? ये चिट्ठी कौन लाया? जी ड्राइवर। दिलीप नजर उठाकर देख, मेरी आंखों से आंखें मिलाकर सच सच बता क्या बात है। दादाजी मुझे अब शादी नयनतारा ही से करनी होगी। शुरू से ही मैं जानता था कि तू शादी नयनतारा से ही करना चाहता है। मेरी इज्जत, मेरा खानदान, मेरे पुरखों के मुकद्दस नाम को अपनी बेहयाई से डुबो देना चाहता है, ताकि गली गली में मेरी जगह साई हो, लोग राय बहादुर का नाम ले लेकर हंसे और उस पर थूके। नहीं नहीं दादाजी। नहीं तो फिर उस जलील औरत से शादी क्यों करना चाहता है जो बाजारों में नाचती फिरती है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि घर किसे कहते हैं, गृहस्थी क्या चीज होती है, पति की सेवा कैसे की जाती है, बुजुर्गों की इज्जत कैसे की जाती है। उस औरत को तू इस घर में लाकर इस राजमहल की रानी बनाना चाहता है? नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। मैं जीते जी ये कभी नहीं होने दूंगा। दादाजी दिलीप मेरे पास आ, देख। जब तू इतना सा बच्चा था तब से मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तू मेरे घर का चिराग रोशन रखे। आज तू उसके बदले में ये चाहता है कि मैं जाके उन लोगों से ये बताऊं कि मेरे घर में जो बहू आ रही है वो एक बाजारी औरत है, एक नाचने वाली है। आप उन्हें कह सकते हैं दादाजी कि मैंने दिलीप को बेगैरत समझकर घर से निकाल दिया है। यह भी मेरी शिकस्त है, मेरे दिल की, मेरे खून की, मेरे खानदान की शिकस्त है। इस घर में ऐसा बेगैरत लड़का पैदा हुआ जिसने खानदान के नाम को कलंक लगाया और मरते हुए दादा को आखिरी दम तक धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया है दादाजी, मुझे धोखा दिया गया है। अगर मैं नयनतारा से शादी नहीं करूंगा तो उसके पैसों की लालची मार वो दोनों मुझे और आपको अदालत में घसीट कर ले जाएंगे। मुझे अदालत में जाना मंजूर है,
मुझे अपने घर का एक एक पैसा लुटा देना मंजूर है, लेकिन मुझे उस औरत को इस घर में देखना मंजूर नहीं। दलित, सच बता, तुझे अभी तक नयनतारा से मोहब्बत है? जी दादाजी, मगर अब नहीं। आप यकीन मानिए, आज मैं उससे नफरत करता हूं, नफरत। ठीक है, वो लोग यही हैं? जी। उन्हें म्यूजियम में बुला ला, मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूं। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? तू अपना काम कर, मैं सब कुछ देख लूंगा। जाकर चिट्ठी जरूर लिखना। चलो। माफ कीजिए, मैं राय बहादुर के यहां से आ रहा हूं। किरण देवी कहां है? वो तो अभी अभी चली गई। चली गई? खामोश। दिलीप से शादी करना चाहती हो या उसकी दौलत और इज्जत से? जी दौलत और इज्जत से, लेकिन दौलत और इज्जत से तो शादी नहीं की जा सकती, इसीलिए मजबूरन दिलीप से ही। रुपए का चेक और वो रहा दरवाजा। लेकिन ये तो दौलत गई राय बहादुर साहब, आप भूल रहे हैं कि मुझे इज्जत भी चाहिए। इज्जत अब तुम लोगों की हो जाएगी जब मेरी बेटी इस घर में आ जाएगी। इस घर में तुम्हारी बेटी आएगी जबरदस्ती? इस घर में जिसकी मर्यादा 500 साल पुरानी है। हर पुरानी चीज अच्छी नहीं होती राय बहादुर साहब। चुप रहो, तुम्हें हमारे घर का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। हमें तो कोई हक नहीं है, मगर आपके पोते को हक जरूर है कि वो चाहे जो खेल खेले। उस शराफत का क्या नाम है राय बहादुर साहब, जो सारे बाजार पराई औरतों से खेलती फिरती है, उनसे मोहब्बत करती है, उनसे शादी का वादा करती है और ऐन मौके पे साफ मुकर जाती है। ये झूठ है, दिलीप ने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया, धोखा तो तुम लोग उसे दे रहे हो। जी हाँ, धोखा तो खोटे पैसे की तरह है जिसे हर आदमी आगे चलाने की कोशिश करता है। किसी ने हमें धोखा दिया है, हम आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस खोटे पैसे को मंजूर न करें तो? खोटे पैसे को कौन अपनी खुशी से मंजूर करता है, वो बस आ जाता है जैसे हम आपके घर आ गए। जैसे तुम लोग हमारे घर आ गए, क्या समझते हो तुम लोग मुझे? सोचते हो कि ये बुड्ढा तुम्हारे जाल में फंस जाएगा और अपने घर की इज्जत तुम्हारे हवाले कर देगा? दौलत और इज्जत चाहिए, इज्जत या दौलत, दोनों में से एक भी नहीं मिलेगी। कुत्तों की मौत मरोगे, अभी इसी दिन याद करोगी कि किसी से पाला पड़ा। तशरीफ रखिए, मैं आपको सब सूरत हाल समझाता हूँ। बात यह है कि ये गोली बंदूक से काम नहीं चलेगा राय बहादुर। सुनिए, आपके पोते मिस्टर दिलीप कुमार को हमारी बेबी के साथ मोहब्बत है। मोहब्बत? जी हाँ, यानी कि प्यार, जिसका सबूत है
इनके लिखे हुए ये खत। खत फाड़ दिए? खत फाड़ दिए तो क्या हुआ राय बहादुर? हमारे पास इन दोनों के फोटो भी मौजूद हैं। फोटो भी फाड़ डाले राय बहादुर, आप इतने बुजुर्ग होते हुए भी बच्चों की सी बातें करते हैं। खत फाड़ डाले तो समझ बैठे कि मामला खत्म, फोटो फाड़ डाले तो समझ लिया कि बेबी की और दिलीप बाबू की शादी हो ही नहीं सकती। अजी हजरत, हमारे पास इन खतों की फोटो और इन तस्वीरों के नेगेटिव बड़ी हिफाजत से महफूज हैं, जो जरूरत के वक्त अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। राय बहादुर, इसके बाद हर घर में आपका जिक्र, हर अखबार में आपकी तस्वीर, हर गली में आपके चर्चे। राय बहादुर के पोते दिलीप कुमार का रुमान एक नाचने वाली के साथ, राय बहादुर के पोते दिलीप कुमार का रुमान एक नाचने वाली के साथ, राय बहादुर के पोते दिलीप कुमार का रुमान एक नाचने वाली के साथ। तुम? हाँ, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़ा है, मगर देख रहा हूँ कि तमाशा तो यहाँ हो रहा है। मिस्टर अशोक कुमार, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। राय बहादुर साहब, ये रहे खतों के फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के नेगेटिव, जरा संभाल के रखिए। लिखना और कुछ जानने की जरूरत नहीं। अशोक, मुझे सचमुच अफसोस है नैन, मैं ब्रूट। मुझे माफ करना मम्मी, मुझ में एक छोटी सी कमजोरी है, एक शरीफ आदमी को इस तरह तबाह होते नहीं देख सकता। क्यों डायरेक्टर, ये क्लाइमैक्स का ट्विस्ट कैसा रहा? खबरदार दिलीप, जो आगे बढ़े मैं गोली मार दूंगा। दिलीप, खबरदार जो आगे बढ़े मैं गोली चला दूंगा। दिलीप, मैं कहता हूँ गोली चला दूंगा मैं। दिलीप, सच कहता हूँ मैं गोली चला दूंगा। आगे मत बढ़ो दिलीप। दिलीप, ओ मम्मी, मम्मी, इसे संभाल कर रखिए राय बहादुर साहब, शायद आप ही का है। ये तुमने क्या किया अशोक? मैंने तुम्हारा सारा जहर पी लिया नागन। डरो नहीं, जहर जहर को कभी धोखा नहीं दे सकता। चलो आप भी चलिए डायरेक्टर साहब, क्लाइमैक्स के बाद यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। चलिए अशोक कुमार साहब, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। घबराने दोस्त, डॉक्टर मेरे साथ ही है, लेकिन घाव बहुत तेज है। कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। चलो तुम आ गई बेटी, इस वक्त मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। याद है एक दिन तुमने मुझसे वादा किया था, अगर कभी तूफान आया और मेरे घर का चिराग झिलमिलाने लगे तो तुम उसे बचा लोगी। दिलीप, इधर आ बेटा, आज ये बूढ़ा बहुत थक गया है, अपनी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इसे संभाल लो बेटी, इसे संभाल लो।